दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2022 में आई एक फैमिली एडवेंचर फिल्म मिनियंस द राइज ऑफ गुरु को। इस फिल्म को आईएमडीबी पर रेटिंग मिली 6.7 out of 10। कहानी की शुरुआत 1976 के समय से होती है, जहां पर हम बेला बॉटम नाम के एक सुपर विलन को देखते हैं, जो कि मैप को चुरा करके भाग रही होती है और उसके पीछे शहर की पुलिस पड़ी होती है। पुलिस एक जगह पर बेला बॉटम को घेर लेती है, लेकिन वो पुलिस को चकमा दे करके वहां से भागने लगती है। अब बेला बॉटम पुलिस की नजरों से बच करके नॉक्स बिल्डिंग में आ जाती है, जहाँ के अंडरग्राउंड में सुपर विलन्स का अड्डा होता है और वहाँ पर बेला बॉटम के और भी साथी होते हैं और इनकी टीम का नाम बिस्किट सिक्स होता है। बेला बॉटम अपने बॉस बाइल्ड नॉक्स को एक मैप देती है, जिससे कि वो सब बहुत खुश होते हैं। बाइल्ड नॉक्स एक ट्रेंड फाइटर होता है, लेकिन वो बूढ़ा हो गया होता है। अब बाइल्ड नॉक्स सबसे कहता है कि हम इस मैप के जरिए सोडियक्स स्टोन तक पहुंच जाएंगे और फिर हम इस दुनिया के सबसे ताकतवर विलन होंगे। इसके बाद में बाइल्ड नॉक्स अपने साथियों के साथ मैप को फॉलो करते हुए एशिया के जंगलों में आ जाता है, जहाँ पर ये एक झरने के पास जाते हैं, जहाँ पर दो ड्रैगन्स बने होते हैं और ऐसे ही ड्रैगन्स मैप में बने होते हैं। इसके बाद में वाइल्ड नॉक्स ड्रैगन के मुंह को एक दूसरे के सामने कर देता है और ऐसा करते ही झरने का पानी रुक जाता है। इसके बाद में वाइल्ड नॉक्स झरने के पीछे की गुफा में चला जाता है। इसके बाद वाइल्ड नॉक्स अंदर जाने लगता है, तभी सीढ़ियाँ एकदम से फ्लैट हो जाती हैं, जिससे कि वाइल्ड नॉक्स फिसलता हुआ नीचे चला जाता है, जहाँ पर वो सोडियम स्टोन को देखता है। अब वो जैसे ही सोडियम स्टोन को लेने जाता है, तभी दरवाजा बंद हो जाता है और वहाँ पर मेटल के रोबोट आ जाते हैं और ये वाइल्ड नॉक्स पर अटैक करने लगते हैं, क्योंकि ये रोबोट्स इस स्टोन को गार्ड कर रहे होते हैं। लेकिन वाइल्ड नॉक्स एक फाइटर होता है, इसलिए वो इन सब रोबोट्स को बुरी तरह से पीटकर तोड़ देता है। इसके बाद में वाइल्ड नॉक्स स्टोन को लेकर के ऊपर आ जाता है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे रोबोट्स होते हैं। वाइल्ड नॉक्स दो लकड़ियों की मदद से उनसे बच करके भागने लगता है। इसके बाद में वो अपने साथियों को कॉल करके बुला लेता है, उसके साथ ही उड़ने वाली गाड़ी लेकर के आ जाते हैं। अब वाइल्ड नॉक्स रस्सी से ऊपर जाने लगता है, तभी वाइल्ड नॉक्स अपने साथियों को दिखाता है कि उसे स्टोन मिल गया है। तभी बेला बॉटम स्टोन को छीन लेती है। वो वाइल्ड नॉक्स से कहती है कि तुम अब बूढ़े हो गए हो, अब मैं बिस्किट सिक्स की लीडर बनूंगी और बाकी के विलन्स भी उसी के साथ होते हैं। इसके बाद में बेला बॉटम वाइल्ड नॉक्स को नीचे गिरा देती है। अब उन सबको लगता है कि नॉक्स मर गया, इसलिए वो वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में हम एक स्कूल को देखते हैं, जहां पर टीचर बच्चों से पूछ रही होती है कि बच्चों तुम फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो। कुछ बच्चे डॉक्टर बताते हैं तो कुछ इंजीनियर। वहीं हम गुरु को देखते हैं, जो कि सुपर विलन्स को ड्रॉ कर रहा होता है। जब टीचर उससे पूछती है कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो गुरु कहता है कि वो एक सुपर विलन बनना चाहता है। इससे सब बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। अब स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सब बच्चों को उनके पेरेंट्स लेने आते हैं। वहीं गुरु को उसके दोस्त मिनियंस लेने आते हैं। मिनियंस गुरु की बाइक भी लाए होते हैं। इसके बाद में गुरु मिनियंस के साथ मस्ती करते हुए घर पहुंच जाता है। गुरु घर पहुंचते ही अपने पोस्ट बॉक्स को चेक करता है, उसके लिए एक पार्सल आया होता है, जो कि बीसीए सिक्स की टीम ने भेजा होता है। इससे कि गुरु बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। उसमें एक लेटर होता है, साथ ही साथ एक कैसेट भी भेजी होती है। असल में गुरु बीसीए सिक्स को ज्वाइन करने के लिए कई सारे फॉर्म्स को भेज चुका होता है और आज फाइनली उसे बीसीए सिक्स ज्वाइन करने का मौका मिला होता है। इसके बाद में गुरु कैसेट को प्ले करता है, जिसमें कि बेला बॉटम का मैसेज होता है। वो गुरु से कहती है कि अगर तुम्हें बीसीए सिक्स का विलन बनना है, तो तुम कल इंटरव्यू के लिए आ जाना और तुम्हारा सीक्रेट कोड होगा तुम बेकार हो। अब गुरु बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उसका विलन बनने का सपना सच होने वाला होता है। मिनियंस भी उसके लिए बहुत खुश होते हैं। तभी गुरु को अपने घर से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जब वो जाकर देखता है, तो वहाँ पर उसकी मदर होती हैं, जो अपने न्यू योगा टीचर से योगा सीख रही होती हैं। तभी वो गुरु से कहती हैं कि तुम्हारे मिनिस बहुत शोर करते हैं, मैं किसी दिन इन सबको घर से बाहर निकाल दूंगी, और वो गुस्से में दरवाजा बंद कर देती हैं। इसके बाद में गुरु मिनिस के साथ अपने बेसमेंट में जाता है, जहाँ पर उसने अपना सीक्रेट अड्डा बनाया होता है। वहाँ पर बहुत सारे मिनियंस होते हैं, जो अलग अलग तरह के गैजेट को बना रहे होते हैं, लेकिन ज्यादातर इनके गैजेट फ्लॉप हो जाते हैं। अब गुरु सबको बताता है कि वो कल बीसीए सिक्स के लिए इंटरव्यू देने जा रहा है। इसे सब मिनिस बहुत खुश होते हैं। अब रात में गुरु बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है, इसलिए उसे नींद भी नहीं आ रही होती है। तभी उसके पास में चार मिनियंस आ जाते हैं और उसी के साथ में सोने लगते हैं, और ये मिनियंस गुरु के बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। वहीं हम सैन फ्रांसिस्को में वाइल्ड नॉक्स को देखते हैं, जो कि अभी भी जिंदा होता है और उसने कुछ लोगों को हायर किया होता है, जिससे कि वो स्टोन को वापस पाना चाहता है। अगली सुबह गुरु जल्दी से तैयार हो जाता है और वो इंटरव्यू के लिए जाने लगता है, लेकिन मिनियंस भी उसके साथ जाना चाहते हैं।
लेकिन गुरु उनसे कहता है कि मैं एक सुपर विलन बनने जा रहा हूँ और तुम विलन नहीं बन सकते हो क्योंकि तुम बहुत छोटे हो। इसके बाद में गुरु वहाँ से चला जाता है, लेकिन मिनियंस भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। अब गुरु नॉक्स बिल्डिंग में पहुँच जाता है, जहाँ पर वो डॉक्टर नेफेरियो से मिलता है, जो कि अलग अलग तरह के गैजेट बनाते हैं, और आज उन्होंने चिपकू हैंड बनाया होता है। वो चिपकू हैंड गुरु को दे देते हैं। गुरु उनसे कहता है कि तुम बहुत ही बेकार हो, जिससे डॉक्टर नेफेरियो समझ जाता है कि गुरु इंटरव्यू के लिए आया है। इसके बाद में डॉक्टर नेफेरियो गुरु को एक लिफ्ट में भेजता है, जहाँ पर एक कैसेट प्लेयर होता है। वो गुरु को कैसेट प्लेयर प्ले करने को कहता है। अब जैसे ही गुरु कैसेट प्लेयर को प्ले करता है, तो वो लिफ्ट नीचे जाने लगती है। अब गुरु नीचे पहुंच जाता है और उसके सामने BCA6 की टीम होती है। गुरु बहुत ही ज्यादा नर्वस होता है। वही मिनियस गुरु को फॉलो करते हुए नॉक्स बिल्डिंग तक आ गए होते हैं। अब बेला बॉटम गुरु से कहती है, तुम तो एक बच्चे हो, तुम विलन्स नहीं बन सकते। जिस पर गुरु कहता है कि वो एक शैतानी बच्चा है और बहुत ही ज़्यादा शरारती है, इसलिए मैं विलन बन सकता हूँ। तब बेला बॉटम कहती है कि शैतानी विलन्स वो होते हैं जो स्टोन को चुराते हैं, और तुम जाके अपना अंगूठा चूसो। इससे गुरु को अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद में वहाँ पर दूसरा कैंडिडेट आ जाता है। वो अपनी पावर्स को दिखाने लगता है, जिससे कि सभी विलन्स का ध्यान उसी पर होता है। तभी गुरु अपनी काबिलियत साबित करने के लिए चुपके से स्टोन्स को चुरा लेता है। इसके बाद में गुरु स्टोन को लेकर के भागने लगता है। तभी विलन्स उसे देख लेते हैं और वो उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब गुरु बिल्डिंग से बाहर आ जाता है, जहाँ पर मिनियंस भी होते हैं। वो मिनियंस को गाड़ी में बिठा करके भागने लगता है। तभी वाइल्ड नॉक्स गुरु को स्टोन के साथ में देख लेता है। वहीं गुरु बाइक को बड़ी तेजी से चला रहा होता है, जिससे कि स्टोन गिर जाता है, साथ ही ऑटो भी नीचे गिर जाता है। तभी विलन्स आने लगते हैं, जिसके बाद गुरु ऑटो से कहता है कि तुम स्टोन के साथ हमारे सीक्रेट अड्डे पर पहुंचो, हम तुम्हें वहीं पर मिलेंगे। इसके बाद में गुरु विलन्स को अपने पीछे लगा लेता है। तभी बेला बॉटम अपनी चेन से बाइक को पकड़ लेती है। तभी गुरु बाइक के बूस्ट को ऑन कर देता है, जिससे कि चेन टूट जाती है और वो बड़ी ही तेजी से गुरु और मिनियंस को घर ले जाती है। अब गुरु सब मिनियंस से कहता है कि मुझसे बड़ा विलन्स कौन हो सकता है, जिसने दुनिया के सबसे खतरनाक विलन्स से स्टोन चुरा लिया है। तभी वहां पर ऑटो आ जाता है। गुरु उससे स्टोन मांगता है, जिस पर ऑटो उसे एक नॉर्मल पत्थर देता है। गुरु उससे कहता है कि ऑटो अभी मजाक करने का समय नहीं है, वो सोडियम स्टोन कहां पर है। ऑटो कहता है कि जब मैं स्टोन को वापस लेकर के आ रहा था, तब मैंने रास्ते में एक घर में बर्थडे पार्टी को देखा, जहां पर मैंने इस स्टोन को देखा और ये स्टोन मुझे बहुत ही प्यारा लगा, इसलिए मैंने सोडियम स्टोन के बदले इस स्टोन को ले लिया। अब गुरु ऑटो पर बहुत गुस्सा करता है। गुरु कहता है कि तुमने मेरा करियर शुरू होने से पहले ही चौपट कर दिया, हम मैं विलन कैसे बनूंगा। गुरु ऑटो से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुमने किस बच्चे को स्टोन दिया था और उसका घर कहां पर है। जिस पर ऑटो कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। अब गुरु अकेले ही स्टोन को ढूंढने चला जाता है। उसके पीछे एक मिनियस छिप करके जाता है। तभी गुरु को वाइल्ड नॉक्स के लोग किडनैप कर लेते हैं। मिनियस गुरु को बचाने के लिए गाड़ी के पीछे भागता है, लेकिन तब तक गाड़ी चली जाती है। अब किडनैपर गुरु को लेकर के वाइल्ड नॉक्स के पास आ जाते हैं। गुरु वाइल्ड नॉक्स को देख करके बहुत खुश होता है, क्योंकि वो उसका बहुत ही ज्यादा फेवरेट विलन होता है। गुरु नॉक्स से कहता है कि आप तो मर गए थे। तब नॉक्स उससे कहता है कि मेरे लोगों ने मुझे धोखा दिया था, लेकिन मैं बच गया। अब तो मुझे जल्दी से सोडियम स्टोन दे दो, जिससे कि मैं अपना बदला ले लूंगा। इस पर गुरु कहता है कि उसके पास सोडियम स्टोन नहीं है, उससे वो खो गया है। ये सुनकर के नॉक्स गुस्से में आ जाता है। वो गुरु से कहता है कि तुम मुझे अपने घर का नंबर दो, मैं स्टोन के बदले पैसे मांगूंगा। गुरु नंबर डायल कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम मिनियंस को देखते हैं, जो गुरु के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। तभी उन्हें फोन की रिंग सुनाई देती है। मिनियंस कॉल को उठा लेते हैं। नॉक्स उनसे कहता है कि गुरु हमारे पास है, अगर तुम्हें उसे बचाना है तो स्टोन के साथ में सैन फ्रांसिस्को के मेरे अड्डे पर आ जाओ। ये सुनकर के मिनियंस हैरान रह जाते हैं। इसके बाद में नॉक्स गुरु को 48 घंटे के लिए एक बड़े से म्यूजिक प्लेयर पर बांध देता है। वहीं मिनियंस ऑटो के जरिए उस बच्चे का फोटो बना लेते हैं, जिसे ऑटो ने स्टोन दिया था। अब वो उसके घर पर पहुंच जाते हैं और उससे स्टोन मांगते हैं। तभी वो बच्चा कहता है कि वो स्टोन उसके पास नहीं है, मैंने स्टोन को अपने अंकल फ्रेड को दे दिया है। तभी हम उसके अंकल को देखते हैं, जो कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन ऑटो घर के बाहर ही होता है, इसलिए वो स्टोन को देख लेता है और वो अंकल फ्रेड का पीछा करने लगता है। वहीं 3 मिनट्स उस बच्चे से पूछते हैं कि तुम्हारे अंकल कहाँ पर गए। वो बता देता है कि वो सैन फ्रांसिस्को गए। इसके बाद में वो तीनों मिनियंस एक बस में बैठ करके एयरपोर्ट आ जाते हैं और सैन फ्रांसिस्को की टिकट मांगते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते, इसलिए वो उदास हो जाते हैं। तभी वो एयरप्लेन के पायलट को देखते हैं और वो भी पायलट की ड्रेस पहन लेते हैं और एक प्लेन में आ जाते हैं। अब मिनियंस एयरप्लेन के मैनुअल को पढ़ करके किसी तरह से प्लेन को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन प्लेन हेडक्वार्टर की बिल्डिंग की तरफ जाने लगता है, वो टकराने ही वाला होता है। तभी मिनियंस किसी तरह से उसे टेक ऑफ करा लेते हैं। वहीं बेला बॉटम अपने साथियों के साथ में गुरु को ढूंढते हुए उसके घर आ जाती है। तब मिनियंस उसे बता देते हैं कि गुरु को किसी ने किडनैप कर लिया है और वो सैन फ्रांसिस्को में है। अब विलन्स भी सैन फ्रांसिस्को की तरफ निकल जाते हैं। वहीं ऑटो फ्रेड की गाड़ी के पीछे पड़ा होता है, वो किसी तरह से फ्रेड को पकड़ लेता है। वो उसे स्टोन छीनने की कोशिश
करता है, लेकिन फ्रेड बड़े ही प्यार से उसे स्टोन दे देता है क्योंकि उसे स्टोन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद में फ्रेड ऑटो से पूछता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। इसके बाद ऑटो बताता है कि वो सैन फ्रांसिस्को जा रहा है, इसलिए फ्रेड ऑटो को लेकर के सैन फ्रांसिस्को की तरफ निकल जाता है। वहीं वो तीन मिनियर सैन फ्रांसिस्को पहुँच जाते हैं। वो छुप करके वाइट नॉक्स की बिल्डिंग में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नॉक्स के चमचे उन्हें देख लेते हैं। वो उन्हें घुसपैठिया समझ करके उन पर अटैक कर देते हैं। मिनियंस उनसे डर करके भागने लगते हैं, लेकिन वाइट नॉक्स के चमचे एक जगह पर उन्हें जाकर घेर लेते हैं। इसके बाद में मिनियंस और नॉक्स के चमचे आपस में लड़ने लगते हैं। तभी एक मसाज शॉप की औरत शोर को सुनकर के बाहर आ जाती है। वो नॉक्स के चमचों से कहती है कि तुम इन बच्चों से क्यों लड़ रहे हो। इस पर नॉक्स के चमचे कहते हैं कि तुम अपने काम से काम रखो। तभी वो औरत कहती है कि मैं एक कुंफू मास्टर हूँ। इसके बाद में वो उन लोगों को बुरी तरह से पीट करके भगा देती है। मिनियंस उस मास्टर से इम्प्रेस हो जाते हैं। वो भी उससे कुंफू सीखना चाहते हैं जिससे कि वो अपने दोस्त को बचा सकें। मास्टर उन्हें कुंफू सिखाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद में वो मिनियंस को बेसिक कुंफू सिखाती है। वो उन्हें पुतले से लड़वाती है, लेकिन मिनियंस उस पुतले से भी नहीं लड़ पाते हैं। इसके बाद में मास्टर सिर से लकड़ी तोड़ने को कहती है। वो पहले खुद लकड़ी तोड़ करके दिखाती है। वो मिनियंस से कहती है कि अगर तुम मन में ठान लो तो तुम किसी भी काम को कर सकते हो। अब मिनियंस लकड़ी को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अब भी नाकाम रहते हैं। वहीं वाइल्ड नॉक्स के चमचे घायल होते हैं, इसलिए वो वाइल्ड नॉक्स की नौकरी को छोड़ करके चले जाते हैं। अब नॉक्स परेशान होने लगता है क्योंकि उसकी टीम में कोई भी नहीं होता है। तब वो गुरु को जाकर के खोल देता है और उससे कहता है कि क्या तुम मेरी टीम में शामिल होगे। गुरु तुरंत ही उसकी टीम में शामिल होने के लिए मान जाता है। अब नॉक्स गुरु से सारे काम करवाता है। नॉक्स गुरु को एक काबिल विलन बनाने की ट्रेनिंग देता है और उससे मगरमच्छ से भरे पूल से मछली पकड़वाता है, लेकिन गुरु डर रहा होता है। तभी नॉक्स गुरु को दिखाने के लिए मछली पकड़ने जाता है, लेकिन एक मगरमच्छ उसे खींच लेता है। इसके बाद में गुरु किसी तरह से नॉक्स को बचा लेता है, जिससे कि नॉक्स गुरु से बहुत खुश होता है। अब वहीं मास्टर ने मिनियंस को काफी कुछ सिखा दिया होता है। इसके बाद में मिनियंस गुरु को बचाने के लिए चले जाते हैं। वहीं नॉक्स गुरु को एक बैंक चोरी सिखाने के लिए ले जाता है। तब नॉक्स बीमार होने का नाटक करता है। तभी गुरु चाबी को चुरा लेता है और लॉकर से एक तस्वीर को चुरा लेता है और वो बड़ी ही सफाई से वहां से बच करके वापस आ जाते हैं। ये देख करके गुरु नॉक्स का फैन हो जाता है। वहीं मिनियंस नॉक्स के अड्डे पर आ जाते हैं, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता है। तभी वहां पर विलन्स भी आ जाते हैं और वो गुरु को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन जब गुरु नहीं मिलता है वो उस अड्डे को बर्बाद कर देते हैं। वहीं ऑटो फ्रेड के साथ में सैन फ्रांसिस्को आ जाता है। आज वहां पर फेस्टिवल होता है, इसलिए ऑटो फेस्टिवल को देखने लगता है। वहीं नॉक्स और गुरु जब अपने अड्डे पर पहुंचते हैं तो वो अड्डे की हालत देख करके हैरान रह जाते हैं। नॉक्स समझ जाता है कि उसके धोखेबाज चमचे यहां पर आए थे। नॉक्स उदास हो जाता है क्योंकि उसकी टीम में उनसे लड़ने के लिए कोई भी नहीं होता है। तब गुरु नॉक्स से कहता है कि मैं आपके साथ लड़ूंगा और हम दोनों मिलकर के उन विलन से सोडियम स्टोन को वापस ले आएंगे। लेकिन नॉक्स गुरु से कहता है कि तुम एक छोटे बच्चे हो, तुम उनसे नहीं लड़ सकते। वो गुरु को घर वापस जाने को कहता है। गुरु उदास होकर के वहां से चला जाता है। तभी वो फेस्टिवल में ऑटो को देखता है। वो ऑटो को अपने पास बुलाता है। इसके बाद में वो ऑटो के पास में सोडियम स्टोन को देख लेता है, लेकिन तभी वहां पर विलन्स आ जाते हैं। वो गुरु और ऑटो को घेर लेते हैं। वो गुरु से स्टोन मांगते हैं, लेकिन गुरु इसके लिए मना कर देता है। लेकिन स्टेला अपनी चैन से गुरु को पकड़ लेती है और उसे स्टोन छीन लेती है। ऑटो विलन से डर करके छिप जाता है। तभी वहां पर एंटी विलन की टीम आ जाती है। वो सब विलन्स को पकड़ने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी स्टेला स्टोन को एक्टिवेट कर देती है, जिससे कि वो खुद को एक बड़े से ड्रैगन में बदल लेती है और अपने साथियों को भी अलग अलग जानवर की पावर दे देती है। अब विलन्स पुलिस पर अटैक कर देते हैं। अब सब लोग डर करके भागने लगते हैं। स्टेला गुरु से कहती है तुमने मेरे स्टोन को चुराया था, इसलिए अब तुम्हें सजा तो मिलेगी। वो गुरु को एक क्लॉक टावर की क्लॉक पर बांध देती है। तभी वहां पर मिनियंस आ जाते हैं। वो स्टेला से गुरु को छोड़ने को कहते हैं, जिससे कि स्टेला उन पर हंसने लगती है। वो स्टोन से मिनियंस को जानवर में बदल देती है। तभी वहां पर नॉक्स आ जाता है। नॉक्स को देख करके विलन हैरान रह जाते हैं। अब मिनियंस और नॉक्स मिलकर के उन विलन से लड़ने लगते हैं। वहीं ऑटो गुरु को खोल देता है। तभी ऑटो पर एक मंकी विलन अटैक करने वाला होता है, लेकिन गुरु क्लॉक की सुई से उस पर ही अटैक कर देता है। अब नॉक्स स्टेला की मूंछ पर लटक जाता है। वो स्टोन को लेने की कोशिश करता है, लेकिन स्टेला अपनी आग से नॉक्स को घायल कर देती है। ये देख करके गुरु डर जाता है। अब विलन्स मिनियंस और गुरु को पकड़ने के लिए आने लगते हैं। इसके बाद में मिनियंस बुरी तरह से चीखने लगते हैं, जिससे कि विलन्स दूर जाकर के गिरते हैं। इसी बीच में स्टोन स्टेला के हाथों से छूट जाता है और स्टोन गुरु उठा लेता है। इसके बाद में गुरु विलन्स को चूहे में बदल देता है, जिसके बाद में पुलिस उन्हें पकड़ करके ले जाती है। अब गुरु मिनियंस को पहले जैसा बना देता है। अब नॉक्स को एम्बुलेंस में ले जा रहे होते हैं। ये देख करके गुरु उदास हो जाता है। पुलिस गुरु से कहती है कि नॉक्स को कुछ सालों की सजा तो होगी। अब कुछ दिनों के बाद में नॉक्स अस्पताल में ही मर जाता है। अब मिनियंस और गुरु उसका फ्यूनरल मना रहे होते हैं। तभी हम नॉक्स को देखते हैं, जो कि एक पेड़ के पीछे छिपा होता है। गुरु भी उसे देख लेता है, लेकिन नॉक्स गुरु को शांत रहने को कहता है। गुरु समझ जाता है कि नॉक्स ने पुलिस को धोखा दिया होता है और मरने का
नाटक किया होता है। अब गुरु नॉक्स के कॉफिन में केले भर करके दफन कर देता है। इसके बाद में पुलिस ऑफिसर गुरु से कहता है कि तुम विलन मत बनना, नहीं तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। इसके बाद में गुरु नॉक्स की गाड़ी में आ जाता है, वो नॉक्स को देख करके बहुत खुश होता है। अब सब मिनियंस भी गाड़ी में आ जाते हैं। अब नॉक्स और गुरु वहाँ से चले जाते हैं। अब गुरु एक सुपर विलन बन चुका होता है और उसने अपनी टीम में मिनियंस को भी ले लिया होता है। इससे सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और इसी के साथ में इस फिल्म का यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अगर आपको ऐसी ही वीडियो और देखनी है तो एंड स्क्रीन पर लगी वीडियोज को देख सकते हैं।